अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद गुफरान आपका इस्तकबाल करता हूँ कौन बनेगा जन्नती के एक और नए एपिसोड में। सवाल है, रोज़े में जिस्म से खून निकलने से क्या होता है? आपके ऑप्शन है, पहला रोज़ा टूट जाता है, दूसरा रोज़ा नहीं टूटता, तीसरा सवाब कम हो जाता है, चौथा मकरूह हो जाता है। इसका जवाब है, रोजे की हालत में अगर जिस्म से खून निकल जाए तो उससे रोजा नहीं टूटता। याद रखिए, खून निकलने से रोजे पर कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन अगर खून निकलने की वजह से आपकी सेहत पर असर पड़े तो आप रोजा तोड़ सकते हैं, क्योंकि बीमार और मुसाफिर किसी भी वक्त रोजा तोड़ सकता है और छोड़ भी सकता है, और ऐसा करने पर इंशाल्लाह कोई गुनाह नहीं होगा, लेकिन बाद में उस रोजे की कजा कर ले। जैसे कि अल्लाह ना करे किसी का एक्सीडेंट हो गया और उसके जिस्म से खून निकल गया, तो जिस्म से खून निकलने की वजह से रोजा नहीं टूटेगा, लेकिन अगर खून निकलने की वजह से वो शख्स इतना कमजोर हो गया कि उसे लगता है कि मैं इफ्तार तक रोजा नहीं रख पाऊंगा, तो फिर ऐसी हालत में वो शख्स रोजा तोड़ सकता है, क्योंकि मजबूरी है, बाद में किसी भी महीने में उस रोजे की कजा कर ले। इसके अलावा अगर मिसवाक करते हुए या ब्रश करते हुए मसूड़ों से खून निकल जाए तो उससे भी रोजा नहीं टूटता, लेकिन याद रहे कि वो खून हलक से नीचे ना जाने पाए। अगर वो खून हलक से नीचे चला गया तो फिर आपका रोजा टूट जाएगा। अगर मसूड़ों से खून निकला और आपने थूक दिया तो आपका रोजा नहीं टूटेगा। अब अगर ऐसा वक्त आ गया कि आपको किसी को खून देना है या फिर ब्लड टेस्ट करवाने के लिए खून निकलवाना है, तो इसमें हमारे उलमा कहते हैं कि पहले तो ये बात ध्यान रखें कि अगर आपको लगता है कि खून निकलवाने की वजह से आप इफ्तार तक रोज़ा नहीं रख पाएंगे तो खून ना निकलवाएं, लेकिन अगर आपको लगे कि मैं अपना रोज़ा इफ्तार तक रख लूँगा या फिर ज़्यादा ही मजबूरी है खून निकलवाने की, तो फिर आप खून निकलवा सकते हैं। सही बुखारी में 1939 नंबर पर हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े की हालत में पचने लगवाया करते थे। पचने को अरबी में अल हजामा कहते हैं। ये अरब में एक किस्म का इलाज है जिसमें बीमारी के इलाज के लिए मुख्तलिफ नसों से खून निकाला जाता था। अभी इलाज पाकिस्तान में भी आ चुका है। तो इस हदीस से पता चलता है कि कोई शख्स रोजे की हालत में भी खून निकलवा सकता है। इसके अलावा सुनन अबू दाऊद में 2367 नंबर पर और सुनन इब्ने माजा में 1680 नंबर पर हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने रोजे की हालत में पचने लगवाए, मतलब अपने जिस्म से खून निकलवाया, तो फिर वो अपना रोज़ा इफ्तार कर ले। अब इन दोनों हदीस पर हमारे बड़े मुहद्दसीन ने ये बात बताई है कि जिस शख्स को ये खतरा हो कि खून देने की वजह से वो इतना कमज़ोर हो गया है कि इफ्तार तक रोज़ा नहीं रख सकता, तो फिर वो अपना रोज़ा तोड़ दे। अगर वो इफ्तार तक रोज़ा जारी रख सकता है तो रख ले। अब रोज़ा किस चीज़ से टूटता है, इस पर एक सही हदीस है जिसको पूरी उम्मत मानती है। इंशाअल्लाह इस हदीस के बाद आपको समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। सही बुखारी में 1938 नंबर पर हदीस है कि हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, जिस्म में कोई चीज़ दाखिल करने से रोज़ा टूटता है, जिस्म से कोई चीज़ निकलने से रोज़ा नहीं टूटता। इस कौल पर पूरी उम्मत का इज्मा है, लिहाजा जिस्म से खून बाहर निकलता है तो रोज़ा नहीं टूटेगा। उम्मीद करता हूँ आपको सारा मसला समझ आ गया होगा कि रोज़े की हालत में अगर जिस्म से खून निकल जाए तो उससे आपका रोज़ा नहीं टूटेगा। अब मैं आपको एक नया सवाल देता हूँ जिसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। सवाल है, रोज़दार के सामने खाना पीना कैसा है? आपके ऑप्शन है, पहला जायज़ है, दूसरा हराम है, तीसरा गुनाह मिलता है, चौथा छिपकर खाना चाहिए। तो आप बताइए इसका जवाब क्या है। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ आप सही जवाब देंगे। आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मेरा ऐसी वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि मैं आपको दीन की छोटी छोटी बातें बता सकूँ। आपसे गुजारिश है कि इन छोटी छोटी इस्लाम की बातों को अपने दोस्तों के साथ शेयर किया कीजिए, क्योंकि ईमान की बात एक दूसरे को बताना सवाब जारिया है। इसका सवाब आपको मरने के बाद भी मिलता रहेगा। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में इंशाअल्लाह। जिंदा रहा तो। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।